शहर रागले। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, पर आजकल उस रोशनियों के शहर में अंधेरा हो गया है, लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। कुछ दिन पहले कराची में लोड शेडिंग और बारिश की वजह से बहुत मीम्स बनी, एज अ फन में इसको लिया गया, पर अब सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। सारा पाकिस्तान कराची के लिए दुआएं कर रहा है। आज की वीडियो कराची के लिए, और वहाँ जो कयामत आई हुई है उस पे हम कराची के साथ हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त जरूर आएगा। कराची में ना इश्यूज होते रहते हैं, बाकी शहरों में बिजली की कंपनी है, पर वहाँ सिर्फ एक कंपनी के इलेक्ट्रिक के नाम से है, जो बहुत महंगी बिजली देती है और अपनी मर्जी से लोड शेडिंग करती है। अवाम तंग है कराची की वजह से। गटर और नालों में कचरा इस कदर भरा होता है कि पानी जमा होना शुरू हो जाता है, और इस बार किस कदर पानी जमा हुआ है ये आप सबके सामने है। बारिश होते ही पूरे कराची में पानी खड़ा हो जाता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और याद रहे कि पाकिस्तान की मैक्सिमम आबादी कराची में है। पाकिस्तान की 80% इकोनॉमी वहाँ से चलती है, और रिसर्च के तहत कराची सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला सिटी है। तो वो सारा टैक्स कहाँ गया? 1930 में कराची की हालत कुछ ऐसी थी। Severe flooding hits low-lying areas of Karachi, Pakistan, killing at least 18 people. Many more are reported missing after 16 inches of rainfall in one 24-hour period. Road, air and rail traffic were paralyzed. और आज लैंड जी जनाब, ये अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें, और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह धक्का लगा रहे हैं लोग, गाड़ी होगी बंद। कोई चेंजिंग नहीं है। किधर गए वो सारे टैक्स जो अवाम इतने अरसे से पे करती रही है? अवाम के फंडामेंटल राइट्स कहाँ पूरे किए जा रहे हैं? 18वीं तरमीम के बलबूते पे कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है के नारे लग रहे हैं। मौजूदा सिचुएशन में जहाँ 8 घंटे की लगातार बारिश से कराची में पानी जमा हो गया है, कराची पानी में डूब गया है, उस पे सिंध हुकूमत पूछ रही है कि पानी कहाँ है, और उसके जियाले कह रहे हैं कि पहले कराची वाले पानी मांगते थे, अब पानी आया तो ना शुक्री कर रहे हैं। ऐसे अंधे फॉलोवर्स हुकूमत को गालियाँ देने वालों को कह रहे हैं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को गालियाँ दी जाए। तो क्या इस्लाम ये सिखाता है कि अवाम का हक हलाल और मेहनत से कमाया हुआ पैसा जिससे वो टैक्स देते रहे, उसे बाहरले मुल्कों में महल बनाए जाए, बैंक बैलेंस बनाया जाए, याशियाँ की जाए, गरीबों के मुंह से नवाले निकाल के खुद 5-स्टार होटल में खाने खाए जाए? एक नज़र इस तरह के अंधे फॉलोवर्स पर डालें। वालेकुम सलाम भैया, आपका कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? आप न्यूट्रल हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी, जीए भुट्टो। फिर से आपसे तो ये लाजमी सवाल करना होगा, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, ड्राइव करके या तैर के? अरे भाई देख रहे हो तुम, बिल्कुल सूखा खुश्क आ रहा हूँ, उसका मतलब है ड्राइव करके आ रहा हूँ, गाड़ी चला कर आ रहा हूँ मैं। क्या हो गया कि ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं आप? सड़कों पे जगह जगह पानी है। कहाँ है पानी यार, आप लोग झूठ बोलते हैं, पानी कहाँ है? आप लोगों को अजीब सुबह से शोर मचा रखा है, फिक्सेड वालों ने और पीटीआई वालों ने और आप लोगों ने, तमाम लोगों ने इस तरह का शोर मचा रखा है भाई। ये पानी सारी जिंदगी आप लोग कहते रहे कराची को पानी दो पानी दो पानी दो, पानी दिया तो आप लोगों को मौत आ रही है। डूब गए मर गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे ये बता दें। चले भाई जन, डूब कहां से गए, ये डैम बनाए हमने छोटे छोटे, लोग मर कैसे गए यार? यकीन मानो यहां से ऊपर कहीं पानी नहीं है, गर्दन से ऊपर कहीं भी पानी आपको नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे मर रहे हैं लोग। तुम लोग बैठो नहीं ना पानी में, जाके खड़े रहो खड़े रहो, बैठोगे तो फिर तो तुम्हारा सांस बंद होगा। अब इसमें हमारी गलती थोड़ी है यार। अभी भी इस सब हालत के बाद भी भुट्टो के जियाले उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। यार अक्कल नु हाथ मारो, अपनी अखियां नी जगह जड़े बट्टे लगे न उन्हें साफ करके अखियां ना इस्तेमाल करो प्लीज। बंदा कुछ भी हो, अंधा फॉलोवर ना हो, लानत है ऐसे लोगों पर जो सब कुछ देखते हुए भी उनका साथ दे रहे हैं। यार हद होती है, कुछ अमीर लोगों के लिए बारिश एंजॉय करने का एक जरिया है, पर ये बारिश हर एक के लिए रहमत नहीं होती। कराची में हर चीज पानी में डूबी है, घरों में पानी से लाखों का सामान तबाह हो गया है, रोजमर्रा के खाने पीने के लाले पड़े हैं। एक सेकंड खुद को इस सिचुएशन में रख के सोचो यार कि अपने घर में एक एक चीज तबाह हो रही है, अपने प्यारों को डूबता हुआ देख रहे हो, ना शहर तबाह हो रहा है, लोग मर रहे हैं। कराची में इस हालत से ना 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं। एक घर में एक खातून व्हील चेयर पे थी, पानी घर में भरने की वजह से वो डूब के मर गई है। इतने ही घर उजाड़ दिए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यार इस कदर पानी है कि वो अंडर पासेस तक आ चुका है। पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि हम अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हुकूमत को ना दखल अंदाजी नहीं देने दे रही, क्योंकि ये 18वीं तरमीम की लानत जो है। इतने ही गरीब लोग जो झोंपड़ों में रहते थे उनके झोंपड़े इस सब में बह गए हैं, वो बेघर हो गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। वो हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हर एक फर्द की हिफाजत करे, वो बड़ी सो रही है। और इस सिचुएशन से कराची निकल जाता है तो सारा क्रेडिट कराची के लोगों को और इस सिचुएशन में उनकी मदद करने वालों को जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तो कराची को यतीम बच्चों की तरह ट्रीट किया, उसके फंडामेंटल राइट्स तक कभी नहीं दिए। कराची को बिजनेस हब कहा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है कराची में, बहुत से लोगों का रोजगार है कराची में, सबसे ज्यादा जॉब्स है वहाँ। इस बारिश
से एक मार्ट को 450 मिलियन का नुकसान हुआ। मार्ट में पड़ा सारा सामान तबाह हो गया। चारों लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है बिजनेस में। घर वाले रिश्तेदारों के मरने पे नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में हर जगह पानी है। मैयत दफनाने के लिए जमीन नहीं है क्योंकि वो पानी की जद में आ चुकी है। पहले ही कोरोना की वजह से कितने ही लोग मारे गए। अब कराची में गटर का पानी, गंदा पानी घरों में आ रहा है, उससे कितनी बीमारियां फैलेंगी। अल्लाह पाक कराची की हालत पे रहम करे, कराची वालों को इस सिचुएशन से निकाले, उनकी मदद के लिए वसीले पैदा करे। हम इस सिचुएशन में ढेरों दुआएं कर सकते हैं उनके लिए क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो दुआ से नहीं मिल सकता। तो कराची को दुआओं में याद रखें। बस यार आज के लिए इतना ही था। कमेंट्स में कराची के सपोर्ट में कुछ लिखो और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रब राखा।